వెల్కమ్ టు టిఆర్9 టీవీ నేను నీరజ. శంషాబాద్ ఉమ్రా యాత్ర ముగించుకున్న యాత్రికులు బుధవారం శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్ కు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా యాత్ర కన్వీనర్ మాట్లాడుతూ మా బృందం యాత్ర భక్తి పారవశ్యంతో సాగిందన్నారు. రెండు రోజులు మక్కాలో ఉన్నామని రోజుకు ఆరు ప్రార్థనల చొప్పున యాత్రికులు అందరూ నమాజ్ చేశారన్నారు. తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాలతో పాటు జంట నగరాలైన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లకు చెందిన మొత్తం 141 మంది యాత్రికుల బృందం ఈ యాత్రను నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. आज अलमीजान का ग्रुप माशाल्लाह 145 हुज्जा इकराम जो हम लोग भाई जनवरी को गए थे आज 7 फरवरी को वापस आए. तो हम लोग 7 डेज मक्का में थे और 8 डेज मदीना में थे और पूरे ज़ियारतें करें और माशाल्लाह आसानी के साथ इसमें मासूम बच्चे भी थे और पूरे अतराफ के आंध्रा तेलंगाना गुलबर्गा कर्नाटक के भी हुज्जा इकराम थे. तो हुज्जा का भी काफ़ी ताउन रहा और इसमें काफ़ी मदद रही और सब इबादत में रहे. वहाँ की गवर्नमेंट का भी काफ़ी बेहतरीन इंतजाम थे और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था. तो भी देखो इतने आसानी के साथ जाके इसमें 83 उम्र के भी थे बिल्कुल ज़ईफ़ थे जो चल भी नहीं सकते थे. तो अल्लाह की मोहब्बत में चले और माशाल्लाह खुशी खुशी जाके खुशी खुशी अब वापस हुए हैं बगैर कोई तकलीफ के. तो बिल्कुल आसानी के साथ डायरेक्ट मदीना से हमारी फ़्लाइट थी इस मरतबा. तो हर हाजी के चार चार उम्र हुए और पासपोर्ट माशाल्लाह हरम के अंदर ही ज़्यादा रहे इबादतों में रहे जिक्र में रहे और इसका जो भी अलमीज़ान ग्रुप हमारा उसका ताउन करें उसकी मदद करें उन सबका शुक्र गुजार हूँ मैं. हमारे सामी साहब भी आके हुज्जाज का वेलकम करें तो बहुत बड़ी बात है. आज की ज़रूरत है हम लोग को आज की ज़रूरत है ऐसा इत्तेहाद की कि हिंदुस्तान को बचाना है तो ये ज़रूरी है. क्योंकि आपने जो मोहब्बत का वो किया है इसकी बहुत बड़ी बात है. बड़ा दिल करके जो आए हैं और इस्तेमाल किए हैं इसके हम इनके मशहूर हम शुक्र गुजार हैं स्वामी साहब के. और इसके अंदर और तरक्की ऐसा मिलते रहे तो आपस में इत्तेहाद की बहुत सख्त ज़रूरत है हिंदुस्तान के लिए. और पूरे ग्रुप वाले हमारे खासतौर पर हिंदुस्तान के लिए पूरे इंडिया के लिए दुआ किए कि इसको तरक्की दे और इसको नजरे बस से बचाए और इंडिया तरक्की करे पूरे वर्ल्ड में नंबर वन आ जाए. तो इसके अंदर मेहनतें हो रही हैं तो इसमें बस इत्तेहाद की ज़रूरत है. इसके लिए तो बड़े कुर्बानियाँ जो दी हैं तो बड़ी कुर्बानियों के साथ हिंदुस्तान हमारे पास आया है. तो इसको इसकी कदर करें तो इसके बड़ा आगे बढ़ेगा. तो माशाल्लाह जो इसका मीडिया का भी ताउन कर रहे हैं अलमीज़ान का उन सबको जताए खैर दे. तो हमारा नेक्स्ट काफिला जो है 24 फरवरी को जाएगा इंशाल्लाह. जो भी जाना चाहते हैं 24 फरवरी को हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह. तो इसके अंदर पूरे ज़ईफ़ लोग सब हैं तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में गए हैं गॉड की मोहब्बत में. तो इसी तरह जो भी काम कर रहे हैं जो भी जज्बे के ऐसे हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो हैं अब ये तो बड़े स्वामी साहब जो है तो माशाल्लाह उन्होंने आके जो इस्तेमाल करें हमका बहुत शुक्रगुजार मशहूर हैं कि उन्होंने एक इत्तेहाद का मामला किया और आके इस्तेमाल किया. हालांकि मैं इनको नहीं जानता ये मुझे नहीं जानते सिर्फ अल्लाह के घर से आए हैं हज से उमरे से आए हैं सिर्फ ये मोहब्बत में ये लोग ने आके हमारा इस्तेमाल किया. तो बहुत खुशी हुई जजाकल्ला खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టిఆర్9 టీవీ.